الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں ہم سے پیشتر آپ نے دو شاندار جاندار بہت ہی پاورفل ایماندار تقریریں سماعت فرمائیں جتنا تقریر ہونی تھی یقین مانیں اگرچہ ایک بات پر بھی عمل کر لیا جائے تو زندگی میں کامیابی کی ضمانت یہ تقریر بن سکتی ہے اتنی اچھی تقریریں ہوئیں بڑی اچھی نصیحت تھی بڑی اچھی اچھی باتیں ہم نے آپ نے سب نے سنا بہرحال حصول برکت کے لیے میں کچھ کہنا بہتر سمجھتا ہوں اور کہنا چاہیے بھی اس لیے کہ آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ادھر جون پور تک گئے تقریریں ہوئی مگر الہ آباد میں پڑوس میں رہ کر پہلی تقریر تو بہرحال حضرت دعاؤں کا طالب ہوں میں ماشاءاللہ حضرت میری طریقت رہبر راہ شریعت بھی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں سبحان اللہ معاملہ ہو تو فون کر لینا اللہ کرے کسی کو معاملہ ہو یہ کیس کورٹ کچہری بھارت کے لیے بڑا الٹا ہے عدالت اب آئیں سے نہیں علیف سے کر دوں عدالت آؤ دا آؤ آ دا دعویٰ کرو لا لڑو تا تباہ ہو جاؤ عدالت 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 آؤ دا آپ بولو بولو میں کہہ رہا تھا یہ تقریر سننے کا نہیں کھانے کا وقت ہے بولیے بولیے آ سے کیا ہوا آؤ دا دعویٰ کرو لا لڑو تا تباہ انصاف بہت مشکل سے مل پاتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے علماء بہت منصف ہیں الحمدللہ اتنی رات میں ہوتا ہے یہ لوگ پڑھتے ہیں ایک پڑھا چلا گیا دوسرا پڑھا تیسرا پڑھا چوتھا پڑھا لوگ جاتے رہتے ہیں مگر میں شروع سے اب تک بیٹھا ہوں پہلے ہی میں بیٹھ گیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں وہ پورا دوسرے کو محبت سے سن بھی یہ ہونا چاہیے آئیے کو سننے سنانے سے قبل جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابن الکریم و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگر اجازت ہو تو نعت پاک کے چند اشعار میں بھی پڑھ پڑھ بڑی اچھی آواز تو نہیں ہے شاہکار ترنم اندلیب گلشن رسالت حضرت علامہ انور نظامی صاحب حضرت علامہ مفتی شاہ
अनवार हुसैन साहब क़िबला निज़ामी मसूदी और हज़रत अल्लामा इमरान हबीबी साहब सरवर भाई अशरफ भाई ये सबके दुआओं का तालिब हूं। सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा, बस थोड़ी सी मुझसे भी समाअत फरमा लें और मैं अगर से कुछ वो हो तो माफी का खास गुज़ार हूं, समाअत फरमा लें। मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाते हैं सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, 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 जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आँखों 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 को बसर देख मदीने, आँखों को बसर देख मदीना तो नहीं है, आँखों को बसर देख मदीना बरादरी का आदमी चलता है मगर आज नवाज न है, ये इनकी मोहब्बत है। अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं सब तो निपुज गए ना, ऐसा है ऐसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में मजीद जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, बाकी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्यों, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्या, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्या, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्या, उसने 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 कहीं सरकार को दे उसने तकदीर नारे जिसने ईद मिलादुल नबी महफिले सरकारी गौसे आजम फैजाने सरकारी गौसे आजम सरकार को देखा था, सरकार को देखा तो नहीं है, उसने कहे सरकार को देखा तो नहीं है। और अगला शेर समाज वाले माशाल्लाह ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, मंजूर फरमाते जिसने गुलाब की खुशबू सूंघा गोया के उसने मेरी खुशबू सूंघा, गुलाब बना है मुस्तफा के पसीने से, फरमाते जिसने गुलाब सूंघा मुझ पर दुरूद न पढ़ा तो उसने मुझ पर जफा किया, गुलाब सूंघा करो तो हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो। ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, सरकार सरकार के तलवो का पसीना था नहीं है, आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, सरकार के तलवो का पसीना था नहीं है, आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। एक शेर करबला के हवाले से हजरत अब्बास सकीना की प्यास को देख रहे हैं, ज़ैनब की प्यास को देख रहे हैं,
अली अकबर की प्यास को देख रहे हैं, अली अकबर की प्यास को देख रहे हैं, ज़ैदुल आबिदीन की प्यास को देख रहे हैं। भैया इजाजत दो, मैं इनके लिए पानी लाऊंगा। कैसे इजाजत देते जबकि रंग के अलगदार आप पास हैं, मगर सकीना की प्यास है, फरात की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। बहरहाल वाकिये की तफसील में न जाऊंगा, अल मुख्तसर ये समझें कि हजरत अब्बास पानी लेने के लिए लबे दरिया तक पहुंचे, मशकीज़े को भरा, कांधे में टंगाया, चुल्लो में पानी लिया, लबों तक ले गए। सकीना की प्यासी होठ चुल्लो के पानी में नजर आ रही है। अली असगर की वो एड़ियां जो करबला के लाला जार में रगड़ी जा रही थी, अब्बास की चुल्लो में नजर आ रहा है। सकीना की प्यास तड़पा रही, ज़ैनुल आबिदीन की प्यास तड़पा रही, आया ज़ैनुल प्यासा है, पानी को दरिया में फेंक दिया, पानी न पिया, घोड़े की तरफ इशारा किया, एक घोड़ा तो पीने घोड़ा ने कहा इशारा ही इशारों में हुजूर, जब आप न पिए तो आपका नौकर कैसे पी सकता है। अरे तीन दिन से करबला के मैदान में अली असगर प्यासा है, वो जिसके सदके में न जाने कितने हजारों करोड़ों को कोसर मिल जाए, वो हुसैन के बच्चे प्यासे में पानी कैसे पी सकता हूं, पानी हमने नहीं पिया, भोले वापस चले। किसी संग दिल ने वार किया बाजू फटा, फिर किसी ने वार किया बाजू फटा, फिर आपने मुश्किजे को दांतों तले दबाया, अल्लाह फिर किसी ने वार किया, मुश्किजा फटा, सीना फटा, तीर पीछे निकल गया, अल्लाह पुकारे अब्बास ऐसे सीना, मैं पानी लाऊंगा होप पीना, कटे हैं बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा था। समाज फरमाले शायर क्या कहता है, ये फिक्र दिया बांस को बाजों को कटा कर, ये फिक्र दिया बांस को बाजों को कटा कर, ये फिक्र दी अब्बास को बाजों को कटा कर, ये फिक्र दी अब्बास को बाजों को कटा कर, पीछा 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 कहीं इस नाम का जल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, कहीं इस नाम का जल, कम सल दे कम दीना तो लगी है। और अभी अभी जैसे बताया था हिंदुस्तान में हम सर उठाकर जी रहे हैं, ये करम खाजा का या तो खाजा जी है, कोई एक साल के लिए बैठता है, कोई दो साल के लिए बैठता है, कोई तीन साल के लिए बैठता है, कोई चार साल, कोई पांच साल के लिए बैठता है। अरे मियां जब जब दल और दल मिलते हैं तब कोई बैठने के लायक होता है कुर्सी पर, जब दो चार दल मिलते हैं तो तब कोई कुर्सी पर बैठने के लायक होता है। अब उन चार दल में एक दल वाला हटा, दूसरा दल वाला हटा, तीसरा दल वाला हटा, तो चौथा दल वाला दल दल अल्लाह 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 समझ गए, चौथा दल वाला कहां जा जाए, दल दल में चला जा जाए, हुकूमत दल दल में चली जाती है, मगर
अल्लाह वालों की हुकूमत दलों और तलों को जोड़कर नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले दिलों को जोड़कर बना करते हैं। और ये मोहब्बत का आया तक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम दल वाले नहीं हैं, हम दिल वाले हैं। हम कौन हैं? दिल वाले हैं। और दिल वालों की हुकूमत कयामत तक चलती है। गरीब नवाज की हुकूमत इस बात की शाहिद है। जाने वालों की वो जान बने बैठे हैं, सारे उशात की वो शान बने बैठे हैं। और हिंद वाले मेरे ख्वाजा की करामत देखो, हिंद वाले मेरे ख्वाजा की करामत देखो। 800 साल से सुल्तान बने ये शेर बबल बोल नहीं जाने से पहले मैं कहीं गौस का कोटा तो नहीं, गौस का कोटा तो नहीं है। आंखों को बसल देख मदीना तो नहीं है। दुरुद दुरुद पढ़े अल्लाहुम्मा وبارك على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حمد و صلاة کے بعد ہم نے قرآن کریم کی 11 پارے کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ تین چیزیں ہیں یاد رکھنا کامیابی کی زمانہ۔ ایک تو بندہ ایماندار ہو، ایک بندہ ایماندار ہو، دوسری بات جب ایمان ہو تو دل میں اللہ کا خوف ہو، تیسری بات اس کی دوستی سچوں سے ہو، اور جب وہ سچوں سے دوستی کرے گا تو ظاہر ہے کہ گندوں کے پاس بیٹھے گا، جھوٹوں کے پاس جھوٹے گندے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون گھر جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھائیں گے، جانا چاہتا ہے؟ بہت جلدی آپ کو گھر 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 بہت جلدی میں سمجھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جھوٹوں سے
बंदा एक तो अल्लाह से डरने लगे। जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो जाहिर है कि इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। और जब मुस्तफा की मोहब्बत दिल में घर कर जाएगी तो फिर इस दिल में गुनाहों के लिए जगह बाकी नहीं रहेगी। और जब बंदे के दिल में गुनाह के लिए जगह बाकी न रहेगी तो फिर उसको अल्लाह अपना कर्म अता फरमाएगा। फिर उसको अल्लाह अपना कर्म अता फरमाएगा, अपना मुकर्रब बना लेगा। आप सोचें, मुझे वलायत मिल जाए, औसत मिल जाए, खुदपत मिल जाए, अब्दालियत मिल जाए, इसी तरह मियां गया वो जमाना जब सैयदी सरकार होश पाक की नजर पड़ती तो वक्त का चोर और ताल बंद गया वो जमाना जब 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 होश की नजर पर तो वक्त का चोर अपने वक्त का इमाम बनता नजर आता गया वो जमाना। जब गौस की नजर पड़ती तो मुर्दा उठकर खड़ा होता नजर आता गया वो जमाना। सुनो आज भी अगर कोई चाहे ऐसी कुव्वत हो जबान में, ऐसी ताकत हो जबान में, ऐसी पावर हो जबान में तो उसके जरूरी है दिल में अल्लाह का खौफ रखे, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत रखे। कसम खुदा की दिल में डर अल्लाह का हो जाएगा फिर सारी दुनिया का डर इस दिल से खत्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह का डर रहेगा। और जब अल्लाह का डर रहेगा तो समझ जाओ वो बंदा यहाँ भी कामयाब है वहां भी कामयाब है। आपने अभी हजरत से सुना था औसिया ने कितनी इबादत की। शेख अबुल फदा हादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं 40 साल तक मैं सजदी सरकार गौसे पाक की खिदमत में रहा। 40 साल की मुद्दत में मैंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला को कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी गीबत करते नहीं देखा, कभी चुगली करते नहीं देखा, कभी कोई गुनाह करते नहीं देखा। फरमाते मैंने तो ये देखा रात आती ईशा के लिए वुजू फरमाते, उसकी वुजू से आप सुबह की नमाज भी अदा फरमा लेते, तहज्जुद की उसकी वुजू से सुबह की नमाज भी अदा फरमा लेते, रातों दिन में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते। कई काल कई साल तो मैंने ऐसे देखा। फरमाते एक पैर पे खड़े हो जाते ईशा की नमाज के बाद, एक पैर पे खड़े हो जाते, सारी रात कुरान की तिलावत करते, इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होती, शेख अपना पैर जमीन पर टिकाते, अल्लाहू अकबर पर खौफ का ये आलम था। जंगल में जंगली दमकती पर पत्तियां खाते, टहनियां चबाते, इसके चबाने की वजह से आपके गर्दन की रंग हरी पड़ गई थी, आपकी गर्दन की नसें हरी पड़ गई थी, गर्दन की चमड़ी हरी पड़ गई थी। अल्लाह अल्लाह ये सिद्दीक सरकार गौसे पाक का तक्वा था। शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं रात का एक पैर गुजर चुका है, तमाम लोग तवाफ काबा में मसरूफ हैं। फरमाते हैं कोई काबा का तवाफ कर रहा है, कोई काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, कोई हजरे असद के बोसे ले रहा है, कोई मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर दुआ अदा कर रहा है। एक नौजवान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है। फरमाते हैं गलाबे काबा को पकड़ा हुआ है, जारो जारो का रो जा रहा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मौला मेरे अमल को कबूल फरमा ले, नमाज को कबूल फरमा ले, रोजा को कबूल फरमा ले, इबादत को कबूल फरमा ले, उमरा को कबूल फरमा ले, हज को कबूल फरमा ले, तिलावत को कबूल फरमा ले, तवाफ को कबूल फरमा ले, मैं यहाँ आया इसको कबूल फरमा, यहाँ से जाऊँ तो खैर के साथ वापस भेज, अल्लाह अकबर पर फिर कहते हैं हे मौला अगर मेरे अमल कबूल के लायक नहीं है, अगर मेरे अमल रद्द कर देने के लायक है तो मौला कल कयामत के दिन मुझे अखियारा मत उठाना, मुझे उठा करके उठाना, मुझे बिना करके उठाना, मेरे आंखों की बिनाई को
छीन लेना, मैं किसी को देख ना पाऊं, क्योंकि सिद्दीक वहां होंगे, फारूक वहां होंगे, उस्मान वहां होंगे, अली वहां होंगे, उमर वहां होंगे, हुसैन वहां होंगे, हसन वहां होंगे, बिलाल वहां होंगे, अल्लाह हू अकबर, मौलाना इतने बरगजीदा बंदे होंगे मैं उनके सामने आंख खोल ना सकूंगा, सर उठा ना सकूंगा, अगर अमल कबूल के लायक नहीं हो तो मुझे रिहा कर देना, मैदान में शर्म में रुसवा ना हो, शर्मिंदा ना हो जाऊं, अल्लाह हू अकबर, पर पकड़ा किसी ने, पकड़ कर झंझोड़ा, शेख सादी कहते हैं, पूछने वाले ने पूछा, ये नौजवान किसी कदर जारों को डर रो जा रहा है, तेरी हिचकियां पड़ गई, इतना भयानक रो रहा है कि तवाफ करने वाले रुक रुक कर तेरा रोना देख रहे हैं, इतना भयानक रो रहा है कि गर्दन नफा में रहने वाले परिंदे भी आज दरख्तों पर उघा करते थे, आज आपने टेटी की बातें नजर आ रहे हैं, ये रोने वाले ये तो बता तू कौन है, क्यों ऐसा रो रहा है, कहां से आया है, तेरा नाम क्या है, अल्लाह प्यारे आका अलैहि सलातो व सलाम के प्यारे दीवानों, शायद सादी फरमाते हैं, रोने वाले ने कोई जवाब न दिया, कुछ नहीं बोला, दूसरी मर्तबा पूछने वाले ने पूछा, कोई जवाब नहीं आया, तीसरी मर्तबा पूछने वाले ने पूछा, जवाब दिया नौजवान ने, अनाला अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, ए पूछने वाले मेरा नाम पूछता है, मेरा पता पूछता है, देख मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, बगदाद का रहने वाला हूं, अल्लाह लोग कदमों में गिरे पड़े हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तो सुना था बगदाद में ऐसा आदमी भी रहता है जो रात का वुज़ू ईशा के लिए वुज़ू करता है तो फज्र की नमाज उसी वुज़ू से पढ़ता है, हमने देखा था रात रात को दिन रात खड़े होकर 1000 नमाज़ें पढ़ डालता है, उसके जलाल आसमान सोड़ कर जाए, गज़ब वाली निगाह डाल दे तो परिंदे की गर्दन कट जाए, मोहब्बत की निगाह डाले तो जुड़ कर फिर उड़ जाए, शेख आप हैं इस कदर जारों को तारो रहे, अब्दुल कादिर जानता है रब ने जितने मेरे मुरीद होने वाले हैं सब के नाम उनके बाप के नाम के साथ मुझे बता दिया, मैं जानता हूँ कौन होने का रहे, कौन सियादार है, कौन हरदातार है, कौन पत्तार है, मगर मुझसे वापत करने वाला जो होगा, फरमाते हैं मैं गुनेगारों के लिए हूँ, गुनेगार मेरे लिए है, अब्दुल कादिर का रोना इसलिए है, कल जब सारे नबी की उम्मत जा रहे होंगे रश्क करते हुए जन्नत में, नाजा नाजा खराना खराना, नाना की उम्मत जब रुकेगी, नाना की उम्मत जब तड़पेगी, नाना की उम्मत जब मचलेगी, मैं कहूंगा मौला ये मेरा नाम लेने वाले है, मेरा जिक्र करने वाले है, मेरे मुरीद है, इसलिए रो रहा हो, उस वक्त तक अब्दुल कादिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अपने एक एक नाम लेने वालों को जन्नत में देखे। अब्दुल कादिर जिलानी सारों का रो रहे हैं, आज ये हम उनकी शान तो बहुत सुनते हैं, तकरीर बहुत सुनते हैं, लेकिन उनके तरीके पर अमल हमारा नहीं है जनाब, दाढ़ी हुजूर आज दूसरे लोग दाढ़ी पूरी रखाने लगे, एक वक्त आएगा जब वो इल्लल्लाह इल्लल्लाह भी करेंगे, हां हां मगर हमारा अपना अगर सलमान खान हजरत आधा नंगा घूमे तो ये पूरे नंगे घूमेंगे, उससे बड़े वाले वाले तुम्हारा ही सलमान शान, तुम्हारा ऑडियल ये नहीं है, तुम्हें अगर करना है किसी की नकल तो मदीने वाले मुस्तफा की करो, कसम खुदा की बड़ी बरकत है, बड़ी इज्जत है, हम अपनी बताएं हजरत, अभी मैं सूरत के प्रोग्राम में जा रहा था, रास्ते में हिजड़े मिले ट्रेन पर, ताली बजा कर में घुसे सबसे लूटते रहे पीटते रहे, मेरी सीट के करीब आया तो चुपके निकल गया, मेरे साथ हजरत ये क्या मामला है, मैंने कहा क्या मामला है, आप पूरी सीट वालों से किसी से नहीं लिया और वहां तक हम देख रहे थे कपड़े उठा उठा के ले रहे थे, बेइज्जतियां कर रहे थे, मैंने कहा मौलवी को वो भी मर्द समझते हैं,
तुमको अपना समझ जाओ, 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 जाओ। तो इसमें इतनी इज्जत है दोस्त कि ये कभी किसी को जलील नहीं होने देती। हाथ उठाओ नबी के नाम पर दाढ़ी रखी रखी गौस के नाम पर दाढ़ी रखेंगे ना कसम खुदा की तुम्हारा आना कबूल हो जाएगा। तकरीरों का यही मकसद होना चाहिए। गौसे पाक जब तकरीर फरमाते थे ना आलम ये होता था कि लोग बस खाकर गिर जाते थे। कितने तो इंतकाल कर जाते थे। तकरीर खत्म होती लोगों के जनाजों का ऐलान हो जाता था। लोगों ठहरना जनाजा पढ़ना ये आलम होता था। हम आप गौसे पाक के चाहने वाले कसम खुदा की गौसे आजम आज भी देख नबी की अदा से रब की अदा से फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक से रहकर मैं मशरिक में हो मुरीद मगरिब में पुकारे तो मैं उसकी फरियाद को पहुंचता हूं। सारी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूं जैसे तुम अपने हाथ में राई का दाना देखा करते हो। अपनी हथेली पर ये फौज कब कमाने फरमाते हैं वला वलतु सरी फौका मैकिन लामा बिकुदरत मौला लाहानी फरमाते अगर मैं अपने विलायत के राज को विलायत के भेद को मुर्दों पर डाल दूं लामा बिकुदरत मौला लाहानी तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे कब्रों से उठ कर खड़े हो जाओ। उस खौस का उस खौस की मैं फिर से जाए हैं मुबारकबाद दूंगा भाई असगर अली साहब को इनके वालिद को मुख्तार भाई को सरफराज भाई को। इन लोगों ने इतनी मोहब्बत से सजाया दुआ है मौला इन्होंने मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजाया तो इनके दिलों को मुस्तफा का मदीना बनाना। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कल गवाही दे दिया मौला किसी पूछने वाले ने पूछा था या शायद जिसने आपका जमाना पाया आपका फरमान है कि जो मेरा मुरीद है उसका खात्मा ईमान पर होगा कुफ्र पर नहीं। जिसने भी जो मेरा मुरीद है वो जन्नत में जाएगा जहन्नम ही नहीं होगा फरमाते या शायद सुबह कयामत तक आपके नाम लेने वाले हो उनके लिए आपका क्या फरमान है। फरमाते सुनो जिसने मेरा जमाना पाया उसके लिए ये मुस्ता है और जो जमाना नहीं पाया कयामत तक जो मुझसे मोहब्बत करेगा अब्दुल कादिर उसे भी अपने मुरीदों के गिरोह में उठाएगा। उनका जिक्र कर रहे हो यार कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलो उनके तरीके को इख्तियार करो। आज हमारी माँ बहनों का आलम अल्लाहु अकबर गौसे आजम की माँ का जब निकाह गौसे आजम के वालिद माजिद के साथ हुआ वक्त ये की तफसील में न जाऊंगा अल मुख्तसर ये समझे कि निकाह का मामला ये हुआ कि गौसे पाक के वालिद माजिद ने एक दरिया से बहता हुआ सेब उठाया या एक फल उठाया खा लिया उसके बाद ख्याल आया वो भी रोजा से थे इफ्तार करने का मकसद था फिर ख्याल आया किसका है किसका नहीं है चलो पता तो करो उससे माफी तलाफी कर लूं। आज हमारा आलम यह है पड़ोसी अगर 10 रुपये का नोट छोड़ गए हैं तो चुपके से सर पूजा कर उठा लेते देखा नहीं अच्छा ये छोटी सी बात हो गई अपने सगे भाई की माल जमीन हड़प कर जा रहा सगे भाई भाई ये वाला अल्लाह हमको दे गए अल्लाह अल्लाह लेकिन गौस का आलम गौस आजम के वालिद के बुजुर्गवार जा रहे हैं माफी तलाफी के लिए पता लगा फराज का बाग है वगैरह वगैरह अपने नाना से मुलाकात हुई बाग तमाम चीजें उसके बाद ये हुआ अगर मेरी बेटी से निकाह कर लो तो माफ कर दूंगा 12 साल के बाद अच्छा चलो निकाह कर लूंगा। अब बताए शर्त क्या है फरमाया आंख है मगर देख नहीं सकती जबान है मगर बोल नहीं सकती गूंगी है हाथ है उठा नहीं सकती लुंगी है पैर है चल नहीं सकती लंगड़ी है कान है सुन नहीं सकती बहरी है ख्याल आया कितने दिन तक दुनिया में रहना है एक साल दो साल तीन साल दस साल बीस साल चालीस साल पचास साल सौ साल इससे ज्यादा बंदा क्या चाहता है ज्यादा नहीं जीना ख्याल आया मैदान कयामत तक कब्र में सुबह कयामत तक रहना है
ये सौदा अच्छा है कि निकाह कर लो, कुछ दिन की दुश्वारियों को बर्दाश्त करूं ताकि कब्र में नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। तो सर उठाकर दीदार के हकदार तो बन जाऊं, मंजूर कर करेंगे निकाह। आला फरमाते जागना है जागने अपना कैसा है दले, जागना है जागने अपना कैसा है दले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाके साए दले। जागना है जागने हश्र तक तुझे सोना है इसी जमीन के नीचे, इसी जमीन के नीचे हश्र तक सोना है, तय हुआ है। मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए सबक है, तैयार हो रहे, निकाह हो गया, निकाह के बाद शबे ज़ुफ़ा कमरे खास तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दी, देख नौजवान खूबसूरत मलिकाए हुस्न मलिकाए दरवाजे को खोलने और कहा सलाम अलैकुम। इतना कहना था शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह, हौसे आज़म के वालिद उल्टे कदम वापस चले गए, उल्टे कदम वापस चले गए ससुर जी के पास। कब्बा तुम क्यों गए, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए वो कमरा खास है, काबा जाना ससुर जी। एक रिश्ता होता है, कहो आपने जो अलामत बताई थी लड़की है गूगू बोल सकती, मगर जिसने दरवाजा खोला उसने दुआ कर मुझसे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे अब्बा मैं लौट इसलिए आया कि जिस लड़की को आपने कहा था वो लड़की नहीं, इसलिए कि वहां तो सलाम किया जा रहा है, आपने कहा था लंगड़ी है चल नहीं सकती, मैंने देखा अपने कदमों से चल कर आई, आपने कहा लूली है पकड़ नहीं सकती, मैंने देखा उसके दरवाजा खोला, आपने कहा आंटी है देख नहीं सकती, मैंने देखा चल देखते हुए आई है, आपने कहा था सुन नहीं सकती, मैंने दरवाजा पर दस्तक दिया उसने सुना भी अब्बा वो कोई और है, कहा सुनो वो कोई और नहीं मेरी बेटी है, मैंने गोगी इसलिए कहा था उसने कभी गीबत नहीं की, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी चुगली नहीं की, माँ बहनों तवज्जो तवज्जो, कहा मैंने अपनी बेटी को अब्बा ही इसलिए कहा था क्योंकि मेरी बेटी के हालत कभी खत्म नहीं हुए, मैंने लुट्टू इसलिए कहा था लुट्टू इसलिए कहा था, हाँ सोसो कभी बेटा किसी को सताया नहीं अपने जिस्म से कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, मैं कहता हूँ अरे जब माँ अम्मुल ग़ैर फातिमा जैसी होती है तो फिर बेटा पेट में पड़ना पड़ा था। अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करता है अजीजान इब्न तैसलाम, अब आज की माँ सोचती हमारा बेटा अल्लामा साहब बहुत सुनाए हैं, हर मां नहीं चलती चाहती कि टिकटॉकर बने यूट्यूबर बने क्रिएटर बने म्यूजिक चलाए लाइव चलाए, हर मां नहीं चाहती कि लो पढ़ो लो पढ़ो हो जाए खैरात करने, मगर अक्सर कुछ मांएं ऐसी होती जो अच्छा भी चाहती है, मगर जो अच्छा भी चाहती है ना उनके हाथ से कभी मोबाइल में वो भी फैश गाने सुन रही है, और यानी शौहर के साथ बदकलामी से पेश आ रहे हैं, शौहर को जबान शौहर से जबान दराजी करके नजर आ रही है, बाज औरतें तो अपने शौहरों को गालियां भी देती हैं, अगर शौहर ने जरा सा डांट लगा दी जनाबे वाला सीधा ससुराल में फोन लगा दी, मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन तेरा अब्बा कोई प्रधानमंत्री क्या कर देगा भाई, तेरा अब्बा तेरा भैया क्या करेगा, बहुत होगा ये जाएगा बेटी वापस चली आ घर, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, तेरे बच्चे बेकार हो जाएंगे,
घर फसा बसाया उजड़ जाएगा। इसलिए माँ बहनो उम्मुल खैर फातिमा की कनीज बनो, फातिमा ज़हरा की कनीज बनो, गौसे आज़म से मोहब्बत करो, गौस के नक्शे कदम पर चलो, गौस की माँ के नक्शे कदम पर चलो। कसम खुदा की अपनी ज़बान को लपेट लो, अपनी ज़बान को समेट लो, कभी तुमसे कभी कोई तुम्हारे पास तंगी नहीं आएगी, कभी परेशान नहीं होगी, कभी कोई तुम्हें बेजा सताएगा नहीं, बेजा मारेगा नहीं, कोई कोई पर जुल्म नहीं करेगा, गलत निगाह नहीं उठा सकता है। गौसे आज़म की मुरीदनी थी, गौसे आज़म के चाहने वाले थी। माँ बहनों तुम्हारे लिए है, आज तुम्हारे चेहरे से मेकअप नहीं उतरता, तुम्हारे होठों से वो सुवर की चर्बी लगी हुई लाली लिपस्टिक नहीं छूट हुई, तुम्हारी भौहें आज कंजी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, ये सब हराम काम है। अल्लाह ने तुझे औरत बनाया है, हुस्न की मलिका बनाया है, खूबसूरती अदा किया है। कसम खुदा की अगर तू अपने देसी जो तेरा तरीका है जिस तरह अल्लाह ने बनाया है उसी अंदाज में रहे तो फिर भी नचलियों से अच्छी दिखेगी। बास और मोछो जाड़ी भी बनवाती हैं, हमें बनवाती हैं और जनाब वो चोटकों की तरह नजर आती हैं। मुझे गाली न देना बहनों, दुआओं से नवाजना, अगर आज के बाद तुम्हें सुधरना हो तो आओ मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूँ। तुम सुन्नी हो, उलमाए सुन्नत को मानती हो, आला हजरत को मानती हो, नमाज को मानती हो, आज़म को मानती हो, इमाम आज़म को मानती हो, इमाम हसन को मानती हो, इमाम हुसैन को मानती हो, फातिमा को तुम मानो, अली को तुम मानो, नबी को तुम मानो, अरे सब को मानो, मगर कामयाबी जब है जब सबकी सबको मानो। सुभान अल्लाह, कामयाबी तब है जब सबकी मानो। सबको मानो, बुजुर्गों को मानो तो बुजुर्गों की मानो। इन्होंने दर्श दिया है ना, इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आ गया, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं हमको। घर से नाम अब्दुल्ला मिल गया, किसी को आजाद रजा मिल गया, सरवर आला मिल गया, हबीब अहमद मिल गया, नदीम अहमद मिल गया, कितना संघर्ष किया औलिया अल्लाह ने। कभी उनसे पूछो गरीब नवाज के रास्ते के लिए रोके गए, कभी उठाओ किताब देखो, कभी ऊंट बैठाए जा रहे हैं तो कभी पानी बंद कर दिया जाता है, मगर गरीब नवाज ने भी कहा था ऊंट ही नहीं। मजार शरीफ है, लाखों दीवाने जाते हैं, करोड़ों जाते हैं, और आदि सरकार तो गरीब नवाज के वहां जो चंदा आता है वो करोड़ों रुपया आता है सरकारी खाते में। तो मैं कहना यह चाह रहा था, इनको मानो तो इनकी मानो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की एक मुरीदनी थी, सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत फरमाती थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की अकीदत बनती थी, बड़ी खूबसूरत थी मक्के हुस्न की। एक मंचला आपके इश्क में फरेबता हो गया, आज भी बहुत सारे मंचले होते मगर जब तुम्हारा ख्याल आए कभी किसी की बहन की तरफ गलत निगाह उठाकर देखने के लिए, तो ख्याल करना कि किसी तरह जवान बहन मेरे घर में भी पल रही है। अगर आज बहन नहीं तो तुम मेरी बेटी हो, मेरे आंगन की जीनत बनेगी, मगर जब जीनत बनकर कुछ फल फूल देने के लायक होगी तो किसी आंगन में जाकर नटखटी करा सकती है। हुजूर फरमाते कमा दीनो तो दान, जिस तरह तुम किसी के साथ करोगे उसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए पीछे पलट कर देख, किसी की तरफ बदनिगाही न कर प्यारे, तुझे इसलिए नहीं भेजा गया, तुझे भेजा गया अल्लाह अल्लाह करने के लिए, तुझे मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए भेजा गया, तुझे कुरान के पैगाम को आम करने भेजा गया, तुझे सुन्नत के पैगाम को आम करने भेजा गया, तुझे गौस के पैगाम को आम करने के लिए भेजा गया। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करे, मेरी बंदगी करे। तो मैं ये कह रहा था गौसे पाक की मुरीदनी है, बड़ी खूबसूरत है, एक मंचला उनकी इश्क में फरेबता हो गया, बेकार का आदमी था। अल्लाहू अकबर, कज़ाए हाजत के लिए, रफ़े हाजत के लिए वो गौसे पाक की मुरीदनी पहाड़ के खोह में तशरीफ ले गई। अल्लाह अल्लाह, ये मंचला भी पीछे पीछे चल दिया,
पीछे पीछे हो लिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इरादा किया था हाथ बढ़ाने का, इरादा किया था इज्जत लूटने का, इरादा किया था उनके किरदार के साथ खिलवाड़ करने का, इरादा किया था खास के मुरीदों के कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करने का, इरादा किया था खास के मुरीदों मुरीदली के किरदार के साथ खिलवाड़ करने का। याद आया मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, याद आया मेरा पीर गौसे संदानी है, याद आया मेरा पीर कुतुबे रब्बानी है, याद आया मेरा पीर तो वो है जिसका फरमान है सारी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे आम बंदा अपनी हथेली पर राई का दाना देखा करता है। ख्याल आया जब वो राई के दाने की तरह सारी दुनिया को देखते हैं तो फिर पहाड़ की खोह में अपनी मुरीदनी को भी देख रहे होंगे। पुकारा या सैयदी सरकार गौसे आजम आज आज मुरीदनी सख्त आजमाइश में है, मसाइबो आदाब में है, या गौसे आजम मदद फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहि सल्लतु वस्सलाम के प्यारे दीवानों तारीख शाहिद है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहीं नूरो दराज मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे। मैंने किताबों में पढ़ा गौसे जब कहा गया या सैयदी सरकार आपकी मुरीदनी सख्त मसाइबो आदाब में है, मैंने पढ़ा सैयदी सरकार ने वही से अपना लोटा जिससे वुज़ू फरमाते थे फेंक कर मारा और मरचले के खोपड़ी में पड़ा। फिर ऐसा वही से अपनी खड़ाऊ अस्तगफार पढ़ता हूँ अपनी खड़ाऊ का जिक्र आया, वही से अपनी खड़ाऊ को उतारा उतार कर फेंका पहाड़ के कोह में गया, कोहे पार पड़ गया और मरचले के खोपड़ी में पड़ा। इधर घूमता है इधर पड़ रहा है, इधर घूमता है इधर पड़ रहा है, ऐसी खड़ाऊ पड़ी ऐसी पड़ी कि अल्लाह अल्लाह वो मरचला मर गया खत्म हो गया निस्तो नबूद हो गया। अब वो मुरीदनी गौस की अपने हाथों में उन्हीं खड़ाओं को लिया गौसे आजम की बारगाह में लेकर हाजिर हो गई। देखने वालों ने कहा ये तो गौसे पाक की खड़ाऊ है तुझे कैसे मिल गई, ये तो अब्दुल कादिर जिलानी की खड़ाऊ है तुम्हें कैसे मिल गई। अब्दुल कादिर जिलानी की मुरीदनी का सुनो ऐसा ऐसा मामला था एक मंचला।